नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ चक्रधरपुर के चेलाबेड़ा गांव से। और पश्चिम सिंहभूम जिला का, झारखंड का ये चेलाबेड़ा गांव है, जहाँ से महादेव नायक जो है पिछले 17 दिनों से उत्तराखंड के सुरंग में फंसा हुआ था। और वहां से महादेव नायक की जब कल शाम को सुरक्षित बाहर निकलने की खबर आई है, तो आज आप देख सकते हैं इस गांव में तमाम जो लोग हैं इस गांव के, वो आज इस महादेव नायक के घर पहुंचे हैं। और उत्सव का माहौल है, खुशी का माहौल है। और यहाँ पे जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही है, लोगों के बीच खुशियाँ बनाई जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पे खुशियाँ हैं और लोग जो है इस खुशी में शरीक हो रहे हैं। पिछले, हम बता दें कि पिछले 12 नवंबर से जब महादेव नायक वहाँ पे फंसा हुआ था उत्तराखंड के सुरंग में, उस वक्त से लेकर अब तक जो है इस गांव में कोई भी खुशी नहीं मनाई गई और ना ही कोई उत्सव मनाया गया। इस बीच जो है दीपावली पार हो गई, छठ पार हो गया, देव दीपावली भी चली गई, लेकिन यहाँ पे किसी तरह की कोई खुशी नजर नहीं आई। बस सभी लोग इस चिंता में डूबे रहे कि कब उनका बेटा महादेव नायक जो है वापस लौटेगा। और इसी चिंता में ये पूरा गांव जो है बैठा था और किसी को भी जो है चैन की नींद नहीं आई इस गांव में। सभी लोग मायूस थे, परेशान थे, हर एक घड़ी दुख की घड़ी थी इस गांव के लिए। पिछले 17 दिनों से ये गांव जो है दुखों में जी रहा था, लेकिन कल जब शाम को ये खबर आई कि तमाम 41 मजदूरों के साथ साथ उनका बेटा महादेव नायक भी सुरक्षित बाहर निकल गया है, तो आज देखिए किस तरीके से गांव में खुशियां मनाई जा रही है। ये लोगों के बीच मिठाइयां बांटी जा रही है, साथ ही साथ यहां पे आतिशबाजी भी हो रही है। दीपावली तो मनी नहीं, अब यहां पे खुशियां मनाई जा रही है। हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, समाज से भी विजय गागराई जो है वो खुद मिठाई लेकर पहुंचे हैं और आतिशबाजी यहां कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं लोगों के साथ, क्योंकि आज इस गांव का बेटा जो है वापस लौट आया है टनल से। जो सुरंग जो है एक मौत की सुरंग बनने वाली थी 41 मजदूरों के लिए, वो आज सुरंग जो है सुरक्षित बाहर निकल आए हैं और सभी खुश हैं। और जिस तरीके से सरकार ने प्रयास किया, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लगातार लगी रही, और पूरे विश्व भर के जो तकनीक थे, जो एक्सपर्ट्स थे, जो इंजीनियर्स थे, उनकी मदद से आज जब सभी को बाहर निकाल लिया गया है, सभी 41 मजदूरों को, और महादेव नायक भी वापस आ गए हैं, तो यहाँ पे खुशी देखी जा सकती है। हम बात करेंगे उनके परिवार के लोगों से, उनके पिता से भी बात करते हैं, तो जानकारी लेते हैं कि क्या उनको लग रहा है, कि कैसा बात हुई बेटे से, कोई जानकारी मिली है? हाँ, बेटा से, बड़ा बेटा से बात हुआ कि माने वो अस्पताल में, अस्पताल से हो सके वो लोग हेलीकॉप्टर में माने रांची आएंगे जी। और क्या जानकारी मिली है, कब तक वो आ जाएगा आपका महादेव नायक? उसके बारे तो नहीं, खाली इतना सूचना दिया ही बड़ा बेटा कि रांची आ जाएंगे मेडिकल जांच खत्म हो जाने से। और अब जब महादेव नायक वापस आ जाएंगे, तो क्या फिर वो मजदूरी करने के लिए वहां जाएंगे, फिर आप भेजेंगे, या फिर क्या आप सोच रहे हैं? अभी तो हम नहीं सोचे कुछ भी, एकदम वो घर आने से जाके पता लगेगा। आप लोग अपने बेटे से बात करने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है? जी 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 जी। जिस तरीके से टनल में फंसा, सुरंग में फंसा, ये 17 दिन कैसे गुजरे हैं आपके घर में? क्या करेंगे, ऐसे ही मन एकदम इत्मीनान से मन चुपचाप, रात को तो नींद नहीं होता है, दिन भर भले आदमी के साथ मन थोड़ा बातचीत करके मन भुला लेते हैं, रात में तो अपना घर में ही रहना है, ऐसे करके मन बिताने पड़ा। 17 रात जो है बेटे की याद आती रही आपको? याद आती रही एकदम एनी टाइम कि कब निकलेगा, कब नहीं, कब निकलेगा, कब नहीं, ऐसे याद आती रही। कल जब खबर आया कि सभी लोग निकल गए हैं, आपके महादेव नायक जो है बेटा भी निकल आया, कैसा लगा? खुश लगा, एकदम आनंद लगा। गांव वाला भी मैंने 2-4 आदमी शाम को भी जुटा हुआ था, बातचीत की एकदम बहुत देर तक उन लोग से मिलजुल के, वो लोग भी एकदम शांत में मन बात किया, आराम से, अच्छा हुआ बोला निकल गया बोल के, दिल को तसल्ली पहुंची कल। जी जी जी। अब इंतजार है बेटे की? हाँ, अब बेटे की इंतजार है, घर कब पहुंचेगा, जब सामने से देखेंगे तब जो है और ज्यादा खुशी होगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये महादेव नायक के पिता हैं, घासीराम नायक, जो कि काफी परेशान थे, रात को नींद नहीं आती थी इनको,
लेकिन पूरा जो ये 17 दिन है इस परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल भरा जो है वो दिन था। ये आप उनकी माँ को देख सकते हैं, अभी भी जो है बेटा उनकी नजर में नहीं आया है, सामने नहीं पहुंचा है, इसलिए उनको अभी भी इंतजार है बेटा का, अभी भी घर आने का। तो आप देख सकते हैं माँ जब तक अपने बेटे को अपनी आंखों से नहीं देख लेती है जो है तब तक जो है उनको जो है इंतजार है। तो आप देख सकते हैं कैसे है स्थिति है इस गांव में, और अभी भी बेटे का इंतजार है। जब तक जो है बेटा यहां पहुंचता नहीं है तब तक इस गांव में ये हम और भी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे बात जी उनके बुआ के फुआ आपके आप उनके बुआ हैं। हाँ। जी बताइए आप कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है जी, सुन के आंखें में तो नहीं देखे हैं, अभी सुन के अच्छा लग रहा है। हाँ हो जी, हाँ सामने आएंगे तो हम लोग खुश रहेंगे। हाँ खुशी रहेंगे, अभी खुशी हो रहा है फिर भी देखने से और खुशी लगेगा। जो सरकार ने प्रयास किया आपको अच्छा लगा? हाँ इसीलिए तो हम लोग सब लोग अभी खुशी हैं, हमको भी खुशी। तो सरकार के प्रयास से इस गांव में खुशी है। हम उनकी बहन से भी बात करते हैं, महादेव नायक के और भी लोग हैं यहाँ पे, उनकी बड़ी दीदी है, उनसे बात करते हैं। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है अभी। महादेव नायक से बात हुई? हाँ बात हुई। बात हुई हाँ। क्या बोला उन्होंने? अच्छा हूँ बोल के बोला, ठीक हूँ बोले। हाँ ठीक हूँ। तब जाके आपको अभी दिल को तसल्ली? हाँ, लगा खुशी लगा, खुशी लगा। हाँ। तो अब खुशियाँ मनाएंगे आप लोग गाँव में? हाँ गाँव में खुशियाँ मनाएंगे जी, दिवाली भी होगा। हाँ दिवाली भी होगा, फटाका भी फोड़ेंगे। महादेव नायक का इंतजार? हाँ इंतजार है उसका। कैसे 17 दिन आपका गुजरा है जब महादेव नायक सुरंग में था? हम लोग तो जब मन करता है खाना पीना भी नहीं करते थे, सुबह का खाना शाम हो जाता है वैसे खाना खाते हैं हम लोग। तो आज खाना खाएंगे ना आराम से? हाँ आज तो आराम से खाएंगे। तो अब महादेव नायक के वापस आने की खुशी जो है इन तमाम चेहरों पर आप देख सकेंगे। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो समाज सेवी हैं विजय गागराई, उन्होंने जो है बहुत सारा प्रयास किया किसी तरीके से परिवार का जो है ढांढस बनाने में और यहाँ के लोगों को समझाने में। तो हम उनसे सीधे बात करते हैं जी। विजय गागराई चलिए, आज कितनी खुशी लग रही है? ये तो शायद मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये खुशी का पल है। और अभी विगत 17 दिन से ये परिवार जिस मानसिक संवेदना से जो गुजरा है वो परिवार वाला ही उसको महसूस कर सकते हैं। चूंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ, और मैं 10 दिन पहले भी आया था, इस परिवार से मैं मिला भी था, और आज भी सुबह आके मैं इनको कुछ आर्थिक सहयोग भी किया हूँ। चूंकि महादेव तो वहाँ फंसा हुआ, इनकी आर्थिक स्थिति किसी से छिपा नहीं, आप भी देख रहे हैं। तो मैं अपने तरफ से इनको चावल दाल चाहे सब्जी के लिए मैं कुछ आर्थिक सहयोग किया हूँ, और अभी आप देख रहे हैं कि मैं मिठाई बांटा हूँ। चूंकि मैं एक समाज सेवी हूँ, समाज सेवा करना मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज है। और अभी महादेव भी आएगा, मैं महादेव से भी मिलूंगा, और उसका आगे का जो योजना है मैं उसको सहयोग करूंगा। उनका परिवार से मैंने यही कहा, चूंकि वो लड़का अविवाहित है, तो मैं उनसे उनका परिवार से बात, उनके पिताजी से बात किया कि वो लड़का को अब आएगा तो लड़की देकर उसको शादी करा दिया जाएगा ताकि उसका भी परिवार चले जी। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा और बार बार कह रहा हूं कि चूंकि वो मजदूर नहीं है, वो देश के निर्माता है, वो इतना मैंने बड़ा टनल सुरंग बना कि वो देश के विकास के कामों में अपना हाथ बटा रहे हैं, तो वैसे मैं मजदूर नहीं, वैसे मसीहा को मैं सलाम करता हूं। और मैं चूंकि समाज से ही हूं, मैं हमेशा उसका सेवा, चाहे चकदरपुर का चला बड़ा गाँव हो, पूरे चकदरपुर विधानसभा का सभी क्षेत्र में जहाँ भी मुझे जरूरत पड़ रही है वो जो भी हो, मैं उनको सब लोगों का हर तरह का जो भी मैं सक रहा हूँ, हमारा पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन उनको मदद कर रहा है। चलिए आप तमाम मीडिया बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, आज ने आप महादेव के घर आके आप लोग इस खुशी को आप ना सिर्फ जगदलपुर वासियों को बल्कि पूरा देश और विदेश को दिखाने का आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं। और मैं तमाम उन संस्था जो भी महादेव या 41 मजदूर को बचा के आज दोबारा जो जीवन दिया, मैं उन तमाम संस्था चाहे वो सुरक्षा एजेंसी हो, NDRF हो, उत्तराखंड सरकार हो या केंद्र सरकार, मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उनका तहे तहे दिल से मैं उसका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने ऐसा 40 मजदूर को बचाने के लिए पूरा विश्व का जो मशीनरी आपने लगाया ये काबिले तारीफ़ है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि महादेव नामे महादेव है,
आज बच के आज वापस सब मैंने शरीर वो इस गांव को आएंगे। और कहावत है कि जाको रखे सही है मार सके ना कोई, वो कहावत चरात किया। 17 दिन वो लोग भूखे प्यासे रहा जैसा भी रहा, लेकिन एक मैंने अपने जीवन को एकदम कठोर बना के जो है वो लोग अपना आज सशरीर इस गांव को लौट रहे हैं। इससे बड़ा भगवान का बोला जाता ना कि वही होते सारा चीज़ हम लोग को बचाने वाला। चलिए गांव वाला को मैंने कहा भी था, गांव वाला के भी ये था कि आप लोग जो भी जहां भी जैसा भी हो आप लोग मन्नत रखिए, उसके लिए प्रार्थना किए, हम भी खुद प्रार्थना किए थे। और हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके महादेव से मैं भी खुद मिलना चाहूँगा। नाम महादेव है तो ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। चले सबको जवाब। तो जिस तरीके से बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे विजय गागराई ने कही, वो मजदूर नहीं है, इस देश के निर्माता हैं और उन्हीं के द्वारा जो है पूरे देश में विकास के कार्य किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है बहुत ही खुश हैं और ये इस गांव में खुशी की लहर है। हम उनके भाई से भी बात करते हैं, ये उनके भाई हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। कैसा लग रहा है अब भाई वापस आ रहा है? अभी अच्छा लग रहा है सुन के जी, बहुत अच्छा। आप सामने आ जाएगा तो और अच्छा लगेगा जी, आपका मीडिया माध्यम से जी। बहुत सुंदर लग रहा है, गांव का आदमी भी है, ये हौसला लोगों का भी अच्छा लग रहा, खुशी है सब माहौल बहुत अच्छा। ये 17 दिन कैसा गुजरा आप लोग? 17 दिन बहुत एक एक दिन के लिए बहुत मुश्किल गुजरा है, कब निकलेगा कब निकलेगा वही आशा में हम लोग बस दिन रात वही याद में पड़े रहते हैं। पर कल आपके भाई महादेव नायक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 12 बजे बात की, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री को थैंक यू बोलेंगे, इतना अच्छा जो हम लोग भाई से बात किया बहुत सुंदर लगा सुन के। उनको निकालने पे जो सरकार ने प्रयास किया उसके बारे में क्या कहना है? तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ उत्तराखंड सरकार या प्रधानमंत्री को कि निकालने में बहुत दिन रात एक कर दिया, बहुत कोशिश करके निकाल दें, पूरी रेस्क्यू टीम ने मेहनत की। थैंक यू सब रेस्क्यू या एनडीए जितना भी सरकार की तरफ से ये किया, ये मदद किया, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं ये जितने घर वाले हैं महादेव नायक के सभी जो हैं वो बधाई दे रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं तमाम लोगों का, जिन लोगों ने पूरे 17 दिन तक मेहनत की इन 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। और महादेव नायक भी आज बाहर निकल गया है, तो ये आज खुशी की लहर है इस गांव में। हम आपको ये सीधी तस्वीरें जो है यहाँ पे दिखा रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आज यहाँ पे किस तरह की खुशी है। चक्रधरपुर से जय कुमार आज तक।